दुनिया भर में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें भारत के सबसे ज़्यादा ऐसे शहर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। अगर लिस्ट निकाले तो उस लिस्ट में टॉप के 30 शहरों में भी भारत के शहर बहुत ज़्यादा हैं और उसकी एक वजह जो है वो गाड़ियाँ भी है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में साफ तौर पर एक सर्वे निकाला गया जिसमें बताया गया है कि 60% से ज़्यादा जो प्रदूषण है वो गाड़ियां फैला रही हैं। और उसका एक अगर देखा जाए तो सीधे प्योर इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक की तरफ अगर हम जाएं तो सीधा उसका एक तोड़ होगा। और देहरादून में भी इलेक्ट्रिक बसें अब चलने लगी हैं। वैसे देहरादून ज़्यादा प्रदूषित नहीं है, अमूमन देखा जाए तो कई बड़े शहरों की तुलना में देहरादून बहुत ज़्यादा साफ़ है, सुथरा है। इसकी एक वजह ये है कि देहरादून पहाड़ों से जो है वो घिरा हुआ है, इसके तीन तरफ से पहाड़ हैं। इस वजह से जो हवा है हिमालय की जो हवा है वो बहुत अच्छी साफ आती है। बावजूद इसके चैलेंज है कि किस तरह से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसे भी कम किया जाए। तो आपको पहले इलेक्ट्रिक बस दिखाते हैं, अंदर से चल के दिखाएंगे आपको कि किस तरह की इलेक्ट्रिक बस है, क्योंकि चलने तो पहले से ही लगी थी लेकिन अब इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। देहरादून में अगर हम बात करें शहर की, जब हम बात करते हैं तो टेम्पो भी चलते हैं, यहाँ पर सिटी बसेस भी चलती है और प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं ये प्रदूषित जो होता हुआ शहर है उसको बचाएंगे। फिर अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह से हम इस तरह की अगर बसें चलाएँ तो उन बसों से फ़ायदा होगा और सीधे जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो रोका जाएगा। SSP है यहाँ पे, हम उनसे सर से बात कर रहे, भी निकल चुका है कि कम से कम देश भर में 60% जो है प्रदूषण गाड़ियाँ कर रही हैं। कितना फ़ायदा होगा, आपको क्या लग रहा है इस तरह की बसें अगर चलती हैं तो? ये तो पर्यावरण के देश का तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इस तरह के वाहनों को अब भारत सरकार, राज्य सरकारें इसको इनको प्रोत्साहन कर रही हैं। और आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बेस्ड जो गाड़ियाँ जो हैं इसको प्रचलन बढ़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को वास्तव में बढ़ाने की ज़रूरत है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पोल्यूशन, रोड साइड जो पोल्यूशन है, सिटी क्षेत्र के अंदर जो पोल्यूशन है उसका मुख्य कारण एक वाहन भी है, जो आपकी जो फ्यूल बेस्ड जो वाहन हैं उनके द्वारा जो दूषित जो हवा निकल रही है उसके कारण जो है वो पोल्यूशन बढ़ रहा है। और दूसरी जो आस्पेक्ट है कि फेयर के हिसाब से भी बहुत रीजनेबल है और उसलिए भी उसके कारण भी जो है लोगों को बहुत एक सहूलियत स्मार्ट सिटी की स्कीम के तहत मिलने जा रहा है लोगों को। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बसेस, अगर आप लोग दिल्ली में रहे हैं इससे पहले, आप में से कई सारे जो लोग हैं वो देखते होंगे कि ऐसी बसें वहाँ पे बहुत चलती थी लेकिन वो इलेक्ट्रिक नहीं होती थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक बसेज हैं और कंपनी भी इससे पहले भी ये बसेस चला रही है। आप देख सकते हैं कि सीटें जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर कंफर्टेबल हैं, बस बहुत कंफर्टेबल है, एसी बस है और इसका जो किराया है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आदमी इसको जो है ना जो उस किराए को उठा पाए, बहुत आसानी से ये किराया भी उठाया जा सकता है। बिल्कुल कंफर्टेबल बसेज हैं और बहुत समय से ये चल रही हैं। अगर आप देखें तो जिस तरह से पैटर्न है इन बसों का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ भी सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से इसको बहुत ही अच्छे से बनाया गया है इन बसों, प्राइवेट कंपनी इसको बनाई है। लेकिन लगातार जो उत्तराखंड के, जब हम एक स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, वो देहरादून है, स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें ये बसेस भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बस ये है कि सड़कें थोड़ा सही हो जाएं, सड़कें अभी सही नहीं हैं, ऐसी बसों के लिए सड़कें भी अच्छी चाहिए। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और उसमें सड़कें बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रही हैं स्मार्ट सिटी की वजह से। अभी बड़े बड़े गड्ढे सड़कों में, अगर वो भी सही हो जाए तो देहरादून जो पहले एक अलग पहचान रखता था अपनी खूबसूरती के लिए, अपने वातावरण के लिए, वो दोबारा लौटाया जा सकता है।